स्लो हो गई, स्पीड स्लो हो गई तो हमारी क्या करेगा, ये कूलिंग कॉइल पे जो भी बर्फ, जो कूलिंग हमारी बाहर नीचे फेंकता है वो नहीं फेंकेगा, वो सारी बर्फ जो है अलग लगाते हैं, कोई 8 घंटे होता है, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे के हिसाब से आता है, मतलब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कूलिंग करता है। उसके बाद में पंद्रह हमारी कूलिंग कॉइल पे जो है वो बर्फ जम जाएगी। एक ये हो गया फैन, दूसरा ये हो गया, फैन तो चल रहा है लेकिन फिर भी जो है हमारी कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमी पड़ी है, बर्फ जमी है। ए टू जेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी डबल डोर फ्रिज में, डबल डोर बोलते हैं या फ्रोस्ट फ्रिज बोलते हैं इसको, उसमें हम दिखते हैं कुछ आती हैं उसके बारे में बताएंगे कि इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। एक हमारी इसमें प्रॉब्लम आती है कि ऊपर वाले सेक्शन में तो हमारी कूलिंग हो रही है लेकिन नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, ऊपर ठीक हो रही है नीचे नहीं हो रही है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सही करेंगे इसको, वो बताते हैं। पहले पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं इन सेक्शन में वो बताते हैं। एक तो हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर लगा होता है, एक बायोमेटल फ्यूज डिफ्रोस्ट हीटर, और एक हमारा फैन लगा रहता है जो 240 वोल्ट एसी चलता है। अब इसको ऊपर कूलिंग हो रही नीचे कूलिंग नहीं हो रही, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फैन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो रहा है, चल रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो गई, स्पीड स्लो हो गई तो हमारी क्या करेगा, ये कूलिंग कॉइल पे जो भी बर्फ, जो कूलिंग हमारी बाहर नीचे फेंकता है वो नहीं फेंकेगा, वो सारी बर्फ जो है कूलिंग कॉइल पे जम जाएगी और फैन हमारा नहीं जब चलेगा तो नीचे कूलिंग जो है नहीं जाएगी। दूसरी चीज होती है फिर उसके बाद हम, एक तो हमारा बायोमेटल फ्यूज और डिफ्रोस्ट हीटर, ये हमारे आप दिखाते हैं, हम ये देखिए, ये बायोमेटल फ्यूज और हीटर, ये तीनों चीजें हमारी जो है वो सीरीज में लगी होती है, इसमें से अगर एक भी पार्ट्स अगर खराब हो गया तो ये तीनों ही वर्क नहीं करेंगे, ना हीटर वर्क करेगा, ना बायोमेटल वर्क करेगा, ना फ्यूज वर्क करेगा, चाहे वो हीटर खराब हो जाए, चाहे फ्यूज खराब हो जाए, या बायोमेटल खराब हो जाए, ये वर्क नहीं करेगा। और डिफ्रोस्ट टाइमर का हमारा काम होता है कि 8 से 9 घंटे, टाइमर अलग अलग आते हैं, कोई 8 घंटे होता है, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे के हिसाब से आता है, मतलब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कूलिंग करता है। उसके बाद में 15 से 20 मिनट ये डिफ्रोस्ट मोड पर चला जाता है हीटर को ऑन करने के लिए कि हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा बर्फ है वो हमारी पिघल जाएगी और वो पानी के द्वारा नीचे निकल जाएगी, इससे कि हमारी एक्स्ट्रा बर्फ जो उसमें जो है जमा नहीं हो पाती है। अब आपको बता दें इसमें प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर कूलिंग आ रही नीचे कूलिंग नहीं आ रही है, सबसे पहले हम अपना फैन चेक करेंगे, फैन अगर हमारा चल रहा है अपनी स्पीड से चल रहा है, एक तो फैन हमारा चल रहा है लेकिन उतनी स्पीड नहीं है जितनी हमारी नए फैन में होती है, प्रॉपर तरीके जो फैन चलता है उसमें होती है, अगर ये फैन स्लो चल रहा है तो ये कूलिंग नीचे नहीं फेंकेगा, कूलिंग नीचे नहीं फेंकेगा तो नीचे कूलिंग नहीं होगी, ऊपर हमारी कूलिंग कॉइल पे जो है बर्फ जम जाएगी। एक ये हो गया फैन, दूसरा ये हो गया, फैन तो चल रहा है लेकिन फिर भी जो है हमारी कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमी पड़ी है, बर्फ जमी है, तो उसको क्या प्रोसेस है कि वो पिघल नहीं रही, क्यों नहीं पिघल रही, क्योंकि डिफ्रोस्ट हीटर हो सकता है हमारा खराब हो, हमारा हो सकता है फ्यूज खराब हो, हो सकता है हमारा बायोमेटल खराब हो, तो हम इन चीजों को चेक किस तरीके से करेंगे। ये फ्यूज है, फ्यूज को हम कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं, ये हमारा फ्यूज है, अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूज ठीक है, अगर नहीं बता रहा तो ये फ्यूज हमारा खराब है। सबसे पहले हम इसको मैनुअली चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारा पानी तो नहीं है, अगर मॉइस्चराइजर इसके अंदर चला जाएगा या पानी चला जाएगा तो ये हमारा बायोमेटल और फ्यूज जो हमारा जो है वो खराब हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। और जो बायोमेटल होता है मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि हमारा -5 डिग्री पे काम करता है, जब इसको -5 डिग्री देंगे तब ये काम करेगा, तब ये कंट्रोलिटी बताएगा, अगर अंधा जो है कंट्रोलिटी नहीं बताएगा। आप इसको बर्फ में डाल करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर इसके अंदर पानी नमी है तो बेकार ही है, इसको हटा दीजिए आप दूसरा नया लगा दीजिए, अगर पानी नहीं है तो इस तरीके से इसको चेक करते हैं, इसमें बर्फ में डाल के इसको, ये -5 डिग्री जब इस पर टेम्परेचर आ जाएगा तब इसको कंट्रोलिटी चेक करेंगे, तब ये कंट्रोलिटी बताना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा सही है। ये दोनों पार्ट चेक हो गए, अब बचता है हमारा हीटर, हीटर को हम 240 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं और इसको हम क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा ओम पे चेक होगा और ये किलो ओम में इसकी वैल्यू आनी चाहिए।
पहली बात उसको हम डायरेक्ट 240 वोल्ट एसी देके चेक कर लेंगे, अगर एक हीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हीट हो रहा तो खराब है। और हम जैसे कहीं कहीं व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इतनी दूर नहीं हम इसको ले जा सकते हैं, तो इसको क्लाइम मीटर से चेक कर सकते हैं, अगर ये ओम में रेजिस्टेंस की बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, तो ये सही है। इसमें से अगर कोई भी चीज खराब हो जाएगी तो आपकी कूलिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, नीचे कूलिंग नहीं करेगा, ऊपर कूलिंग कॉइल पे इसके बर्फ जम जाएगी, ये कूलिंग नहीं करेगा, ना तो ऊपर प्रॉपर करेगा नीचे तो बिल्कुल नहीं करेगा। डिफ्रोस्ट टाइमर को हम क्या करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं डिफ्रोस्ट टाइमर, ये आप देखिए, एक पिन इसमें न्यूट्रल की होती है, एक इसमें फेस होता है, एक हमारा डिफ्रोस्ट मोड का होता है, एक हमारा कूलिंग पॉइंट होता है। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं, जब हम बीच वाले फेस वाले एक ये पिन अलग है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये एक नंबर पिन हमारी न्यूट्रल की होती है हमेशा, इसको हम अलग कर देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे नेम चेक कर सकते हैं। ये तीन पिन हैं, इसमें बीच में जो होगी वो हमारे फेस की होगी, फेस वाले पे एक प्रॉप रखेंगे, कंट्रोलिटी पे लगाएंगे, और ये आप देख सकते हैं ये बटन, इसको आप घुमाएंगे, अब जहाँ पे देखिए एक बार कट होगा वो हमारा डिफ्रोस्ट मोड होगा, ये कट हो गया, ये डिफ्रोस्ट मोड, जिधर लगाएंगे डिफ्रोस्ट मोड जिधर है ये उधर जो है बीप बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, और जब इसको दूसरी साइड घुमाएंगे, जब ये अपना कट छोड़ देगा तब ये दूसरी साइड बताना चाहिए, जिस साइड डिफ्रोस्ट मोड पे बता रहा है, अब यहाँ से जब कट हो गया तो ये कूलिंग पॉइंट पे बताना चाहिए, डिफ्रोस्ट मोड पे नहीं बताना चाहिए। अगर ये दोनों पे बता रहा है इसका मतलब हमारा जो टाइमर जो है वो खराब हो गया है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको सीखना हो कोई भी टेक्निकल काम तो आप आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट विकासनगर लखनऊ में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।